सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र के प्रथम अध्याय यानी समाधिपाद के नवें सूत्र पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। यह सूत्र कहता है, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। अर्थात शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान है जिसके अनुसार यानी जिसके अनुपात में चलने का जिसके पीछे चलने का जिसका स्वभाव है और जो वस्तुओं की सत्ता की अपेक्षा नहीं रखता है, वस्तु शून्यो मतलब वस्तुओं की सत्ता की जिसे कोई अपेक्षा नहीं है, बिना वस्तु के ही जिसका बोध होता है, यानी ऐसा ज्ञान जो बिना वस्तुओं के जिसका ज्ञान हो जाता है और जो शब्द से उत्पन्न है और उसके अनुसार चलता है, उसके अनुपात में ही चलता है, उसके समानांतर चलता है, तो ऐसा ज्ञान जो है विकल्प कहलाता है। अब इसको ऐसे समझते हैं कि अमूमन क्या होता है कि जो चीज़ जैसी होती है उसको जब हम वैसा ही समझते हैं तो वह यथार्थ ज्ञान और प्रमाण कहलाता है। चित्त उसके साथ जो है तदात्म बिठा लेता है। जैसे कि यदि हम सीप देखें तो सीप में सीप का जो ज्ञान है वो प्रतिष्ठित है, वो स्थिर है। तो ऐसा ज्ञान जो कि स्थिर होता है, जो अभी तुरंत नहीं ऐसा नहीं बदलेगा, तो उस तरह के ज्ञान को जो है प्रमाण कहते हैं, यथार्थ ज्ञान कहते हैं। और जो ज्ञान जो है वो थोड़े समय में बदल जाता है, बाधित हो जाता है, जब हमको यथार्थ का बोध होता है तो पता चलता है कि वह नहीं है, तो ऐसे को हम लोग विपर्य कहते हैं यानी मिथ्या ज्ञान कहते हैं। जैसे कि सीप में चांदी का चमकने का जो ज्ञान होता है, हमें लगता है जैसे चांदी है वो, लेकिन जब यथार्थ में जब हम देखते हैं तो कहते हैं वो ये तो बस चमक रहा है सीप, तो वो वहाँ पर वो उसका बाद हो जाता है, तो यह जो है विपर्य है। लेकिन विकल्प जो है, विकल्प वृत्ति जो है, यह वृत्ति चित्त की जो वृत्ति है यह एक अलग है। इसमें क्या है, इसमें विषय तो नहीं होता, निर्विषय होता है यह, तो इसमें विषय नहीं होता परंतु यह मिथ्या भी नहीं होता और यह प्रमाण भी नहीं होता, परंतु यह एक अलग ही है। इसमें शब्द के बोध से होता है और ऐसा तब होता है जब हमको किसी ऐसी चीज़ को बताना है जिसमें कि भेद में अभेद हो या अभेद में भेद हो। जैसे यदि हम कहें कि वह चलते हुए भी नहीं चलता है, या जैसे कहें कि वह खाते हुए भी नहीं खाता है, तो इससे पता चलता है कि वह चल रहा है उसके बावजूद भी फिर भी नहीं चल रहा है, यानी उसमें कोई ऐसा तत्व है जो नहीं चल रहा है। तो बाहर से चलने का लक्षण दिखता है परंतु फिर भी भीतर से उसमें स्थिरता है। तो इस तरह का जो उदाहरण है यह विकल्प का उदाहरण है। और जैसे सामान्य रूप में देखें तो कठपुतली, तो इसमें काठ और पुतली अलग अलग है लेकिन दोनों का एक तरह से अभेद स्थिति है। तो ये कठपुतली जो है, जो काठ की पुतली है, तो इसमें काठ और पुतली दोनों एक ही में है, तो अभेद है यह। इसको काठ और पुतली दो भेद दो चीज़ नहीं है इसमें। तो इस तरह से यह जो है यह विकल्प वृत्ति होती है जो कि हमें शब्द के बोध से पता चल जाता है। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कहा जाए कि पानी से हाथ जल गया,
तो यह विकल वृत्ति है। तो पानी से हाथ जल गया तो यह एक तरह से संकेत दे रहा है कि यह पानी जरूर गर्म रहा होगा, इस वजह से हाथ जल गया। लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि पानी गर्म ही हो। तो पानी से हाथ जल गया तो वहाँ पर यह उचित नहीं होगा कहना। तो यानी यह जो है इसमें जो पानी के साथ इसमें जो अग्नि है उसका बोध होता है, तो अग्नि का बोध होने से यहाँ पानी और अग्नि का तादात्म्य बैठ जाता है, तो अभेद स्थिति उनमें हो जा रही है जिसके कारण उसका हाथ जल जाता है। लेकिन यह एक स्थिति में बिल्कुल प्रमाण नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अगर पानी गर्म नहीं रहा तो हाथ कैसे जलेगा। उसी तरह से अहम वृत्ति भी होती है, अहंकार की वृत्ति। इसमें चेतना और अहंकार ये दोनों जो है इसमें ये अभेद की स्थिति आ जाती है। उसी तरह से ईश्वर के विषय में ये कहा जाए कि ईश्वर जो है वह जो है अजन्मा है, तो हम अजन्मा तो नहीं देखते, जन्मा देखते हैं। तो जन्मा के आधार पर जो है हम अजन्मा का एक अनुमान लगाते हैं कि कैसा अजन्मा होगा। अजन्मा हम लोग यथार्थ में नहीं देखते, हम लोग जन्मा ही देखते हैं, परंतु इस शब्द के ज्ञान से उसका ज्ञान हो जा रहा है, उसका बोध हो जा रहा है हमें। हालांकि अजन्मा का यहाँ पर अभाव जैसा है, भाव तो जन्म का ही है, परंतु इससे हम एक अनुमान लगा ले रहे हैं कि अजन्मा होगा, यानी इस जैसा नहीं है, जो जन्मने की प्रक्रिया है उसके जैसा नहीं है। तो ईश्वर और अजन्मा में एक तरह से अभेद की स्थिति है, यानी जब अजन्मा कहेंगे तो हमें ईश्वर तत्व का बोध होता है, क्योंकि बाकी चीज़ें सब तो जन्म रही है। तो इस तरह से ये अनुत्पत्ति धर्म पुरुष इसको कहा जाता है। तो हमें विकल्प का बोध होता है, तो यह विकल्प की वृत्ति है। तो यह शब्द ज्ञान के अनुसार उसके अनुपात में उसके पीछे पीछे चलता है, और वस्तु यहाँ मौजूद भले नहीं है प्रत्यक्ष के रूप में, प्रमाण रूप में, तो भी यह एक जो है चित्त का बोध है, इसको चित्त की वृत्ति है, इसको विकल्प कहते हैं। यही यहाँ पर मंतव्य है।